दोस्तों, शुरू से करने वाले बांग्लादेश नाटी वर्सेस श्रीलंका नाटी के बीच में होने वाले आज का दिन का पहला मुकाबला के बारे में, और इस सीजन का पांचवा नंबर मुकाबला रहने वाला है। फोर्थ ओडीआई मुकाबला खेला गया है, जिसमें श्रीलंका नाटी की टीम ने पूरे पूरे मुकाबले वन साइड विन करा है और बांग्लादेश नाटी की टीम ने पूरे पूरे मुकाबले हारे हैं। तो गेम वन साइड ही रहेगा। बाकी उस मैच में कौन से प्लेयर ने कैसे परफॉर्मेंस करा था और स्कोर कार्ड बताऊंगा कि कौन कितने मैच खेले, कितने जीते, कितने हारे आए। स्मॉल लीग पिक बताऊंगा, ग्रैंड लीग पिक बताऊंगा, स्मॉल लीग डिफरेंट पिक बताऊंगा, प्लस ग्रैंड लीग डिफरेंट पिक, प्लस बताऊंगा स्टार्टिंग ओवर या डेथ ओवर कौन करवाएगा। तो भाई वीडियो को प्लस तक वाइज करिएगा जरूर, ए वीडियो डेफिनेटली हेल्प हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। लास्ट टाइम का फाइनल टीम फाइनल अपडेट कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर सारी चीज़ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। तो करना कुछ नहीं, सिंपली आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहीं पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। अगर लिंक नहीं काम कर रहा, कोई परेशानी आ रही है आपको, तो फिर टेलीग्राम में आपको ओपन करना और सर्च करके भी जुड़ सकते हो। और सर्च क्या करना है, @expert12 सेम टू सेम लिखेंगे, 7300+ सब्सक्राइबर दिखेगा दोस्तों, यहीं पर क्लिक करके जुड़ना है। नीचे फेक सेल बने हैं तो उससे आप बिल्कुल भी सावधान रहेंगे, उम्मीद करता हूँ। मुकाबला टाइम रहेगा और रहेगा 9:45 मिनट में, ज़्यादा समय बचा नहीं है। वेन्यू सेम रहेगा, रंगेरी दम्बूला इंटरनेशनल स्टेडियम रंगेरी में। विकेट आपको न्यूट्रल ही मानना है, ठीक है। विकेट आपको न्यूट्रल इसलिए मानना है क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका ने नाटी की टीम ने विन भी कर रही, तो गाइस उतना मतलब ईजी तरीके से होता है ना कि भाई वन साइड विन, मतलब वन साइड विन नहीं कर रहे गाइस। गेम मतलब गेम हो रहा है बढ़िया वाला, दोनों टीमों तरफ से रन भी बन रहे हैं, विकेट भी गिर रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे बेनू की, तो बेनू पे चार ही मुकाबला कंप्लीट हुआ है। चारों में से देखोगे जो बैटिंग फर्स्ट करा दो जीता है, बैटिंग सेकंड करा दो जीता है, श्रीलंका ने नाटी के चार में से चार विन करा है, तो आपको मानना चाहिए कि भाई वन साइडेड आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। देखो पहला वाला मुकाबला में देखोगे 42 रन से श्रीलंका ने नाटी की टीम ने विन करा है। यहाँ पर भी बांग्लादेश ने नाटी को ज़्यादा रन नहीं करने दिया था गाइस, और यहाँ पर भी 10 विकेट गिरा है, हालांकि 1 रन से विन करा था। थर्ड वाला मुकाबला की जब आप देखोगे तो वहाँ पर इनके भी 10 विकेट गिराए थे बांग्लादेश और नाटी की टीम के, वहाँ पे 3 विकेट से विन करा था, और लास्ट मुकाबला में 1 विकेट से विन करा, और वहाँ पे अच्छा खासा गेम देखने को मिला था। पहले बात करेंगे बांग्लादेश और नाटी टीम की, मैंने बताया था कि भाई चार खेले हैं, चारों के चारों हारे हैं, और इनकी टीम तरह से मस्ट ब्लो ओपनिंग करवा के देगा मोहम्मद इस्लाम, इनके साथ रहे इफ्तिखार हुसैन। बात करें मोहम्मद इस्लाम की, एक ही मुकाबला बढ़िया नहीं गया था 9 रन का, बाकी 2 मुकाबला अच्छा खासा इन्हें परफॉर्मेंस करा है। 34/75 का बढ़िया प्लेयर है, आप इस मोहल्ले की टीम एज ए प्लेयर पिक करो, खेलेंगे तो ओपनिंग करेगा बहुत अच्छा खासा टेक्निकली साउंड बर्सबन आप कह सकते हो। उनके साथ आएंगे इफ्तिकार हुसैन, जो लास्ट मुकाबले थोड़े जल्दी आउट हुए थे, बट उसके वाला मुकाबले देखोगे 25, 36, 16 बढ़िया प्लेयर है, क्योंकि एवरेज परफॉर्मर है, आपको स्मॉली की टीम बना रख लेना चाहिए, 20+ आपको स्कोरिंग करके इजी तरीके से दे सकता है। देखो पारातिक नंबर से नाबिल ने लास्ट मुकाबला खेला था, बट लास्ट मुकाबला सिर्फ 1 रन का था, 1 रन बैटिंग पोजिशन था। देखो ग्रैंड लीग में सबसे बढ़िया पिक रहेगा और रहेगा पारातिक नंबर से नाबिल, ठीक है, क्योंकि इनका बैटिंग पोजिशन 1 डाउन है। हालांकि एक वाला मुकाबला खेला था जहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे बैटिंग करी थी, सिर्फ फील्डिंग करी थी उस वाला मुकाबले में, अलग की बात है, बट यहाँ पे आपके लिए डिफरेंशियल पिक रहेगा। उनके बाद आएंगे एच मुल्ला ने एक ही वाला मुकाबले में 1 ओवर की बॉलिंग करवाई थी, बॉलिंग तो करेगा नहीं ये तो साफ है, बट सेकंड बैटिंग पोजिशन इनका हर बार रहता है। लास्ट मुकाबला 37 करता, 23/2 करा था और 86 करा था, बढ़िया प्लेयर है, आप स्मॉल की टीम इनको रखेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं दीजिएगा, लेकिन एज अ प्लेयर ज़रूर ट्राई करिएगा। उनके बाद आएंगे एस ए महरूब, जो 52 रन का था और यहाँ पर 4 ओवर की बॉलिंग भी करवाते हैं, मतलब पार्ट टाइम बॉलिंग करवाता है प्लस बैटिंग तो अच्छा खासा करवाता ही है, ठीक है, आप इस मौली की टीम में लेंगे एज अ प्लेयर। बाकी ग्रैंड लीग खेल रहे हो, मिनीजियल खेल रहे हो, वहाँ पर कैप्टन करिएगा महरूब, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। आरिफुल इस्लाम राइट एम बैटिंग राइट एम ओवर बॉलिंग, ये भी अच्छा खासा रन भी कर रहा है बैटिंग से, देखोगे तो बैटिंग से रन भी कर रहा है प्लस बॉलिंग से विकेट भी निकाल रहा है, मस्ट रहेगा दोस्तों, आरिफुल इस्लाम को बिल्कुल भी रख के चलिएगा। तहिजबुल इस्लाम जो आपको विकेट कीपर सेक्शन में दिखेगा, विकेट कीपर सेक्शन से कोई अच्छा खासा प्लेयर ना दिखे फिर इनको पिक करना दोस्तों, 21 रन का आता है, एक वाला मुकाबले में 17 का आता है, एक वाला मुकाबले में 0 और एक वाला मुकाबले में 2, राइट एंड बैटिंग करवा कर देगा प्लस विकेट कीपिंग करवाता है, बैटिंग पोजिशन सेम ही रहेगा, नीचे ही खेलता है। अगर इनकी जगह पर कोई अच्छा खासा आपको विकेट कीपर सेक्शन में दिखे तो फिर इनको साथ जाना, इनको लेना बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा मेरे हिसाब से। उनके बाद आएंगे अहसन लियोन, लास्ट ओवर मुकाबला बहुत कम सिलेक्शन था, हमने ट्राई करा था दोस्तों और 10 ओवर के बॉलिंग करवाई थी जहाँ पे 2 विकेट निकाला था, हमने VC करा था, अच्छा खासा विनिंग हुआ था। उसके पहले मुकाबला 33 रन 2 विकेट 10 ओवर के बॉलिंग करा के कम्प्लीटली अपने कोटे का 10 करेंगे और अच्छा खासा बैटिंग भी करवा सकते हैं, बैटिंग पोजिशन सेम ही रहेगा, थोड़ा एक ऊपर नीचे खेल सकता है बट बढ़िया प्लेयर है,
कि वो कुट्टे का 10 करवा रहे। प्लस मुहिद्दीन तारी के बारे में बता दूँ, ये ना स्टार्टिंग के 2 ओवर और 2 ओवर इनका डेथ का रखा हुआ भाई, टीम के मेन बॉलर हैं। और लास्ट वाला ही मुकाबले में मतलब मौका मिला था जहाँ पर इन्होंने 8.3 ओवर बॉलिंग करवा के एक विकेट निकलता। प्लेयर बढ़िया इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में 2 ओवर डालेंगे और 2 ओवर डालते हैं डेथ में, और भी ओवर डालेंगे बट डेथ में ज़्यादा स्पेशली करवाते हैं, राइट एंड फास्ट बॉलिंग करवा लेते हैं। आप पिक करके चलिएगा नेमू रहमान, जो लेफ्ट बैटिंग करवाता है, स्लो लेफ्ट मोटर ऑफ बॉलिंग करवाता है, 10 ओवर 1 विकेट, 27 रन 1 विकेट, 10 ओवर 8 ओवर और यहाँ पे 10 ओवर 1 विकेट। बढ़िया प्लेयर है क्योंकि कोटे करवा रहे, आप इस मौली की टीम में रख सकते हो। मोहम्मद मोशफिक हसन, इनके देखोगे आप स्टार्टिंग दो मुकाबला नहीं कहलाता, यहाँ पे देखोगे 3 विकेट, 9.4 ओवर, यहाँ पर भी 3 विकेट, यहाँ पे 10 ओवर कम्प्लीट डाला था क्योंकि एम तारिक और यहाँ से मोशफिक हुसैन आपको दोनों को ही स्टार्टिंग और दोनों को ही डेथ में डालते नजर आएंगे। देखो आपने इस टीम से ना यहाँ से मोहम्मद इस्लाम, इफ्तिकार हुसैन, ठीक है, एच मोल्ला को पे कर सकते हो, इस मोहल्ले की टीम इनको भी रख के चलिएगा। अरिफुल इस्लाम बढ़िया प्लेयर है, रख लेना, एस एम को डायरेक्ट पिक करेंगे इस मोहल्ले की टीम में। और नीचे आपको जो 3 दिख रहे हैं तीनों को पिक कर सकते हो। स्टार्टिंग ओवर आओगे मोहम्मद मोशफिक हसन और मोहिद्दीन तारिक, 2 ओवर डाले थे डेथ में, यही दोनों को ही मिल के डाले थे, मतलब टीम के दोनों को ही मेन बॉलर है। बाकी जो भी बेचे बैठा प्लेयर उसका मैंने स्ट्रेस निकाला है, मोहम्मद असिकुर जमान है बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, रिपन मंडल है बढ़िया प्लेयर है, तो वहीं कोई भी खेलता है दोस्तों प्रोवाइड आपको जरूर करवाऊंगा टेलीग्राम पे, तो उसके लिए आप फिक्र ना करो, पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। अब यहाँ बात करेंगे जो सामने की टीम है श्रीलंका ने नड्डे की टीम से, इनकी टीम तो 4-4 विन करा है और इनकी टीम जैसे लास्ट मुकाबला ओपनिंग करने आए थे हरिंदु जयशंकरा, इनके साथ है रियान फर्नांडो। बात करेंगे हरिंदु जयशंकरा की, जो स्टार्टिंग के 2 मुकाबला नहीं खेला था, एक बड़ा मुकाबला भी खेला था जहाँ पे 0 करा था और लास्ट मुकाबले में ओपनिंग करवाया गया फिर भी 12 पे आउट हुआ। आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो पी करिएगा, स्मॉल लीग खेल रहे बिल्कुल भी छोड़िएगा। उनके साथ आएंगे रियान फर्नांडो, 2 मुकाबले ओपनिंग करा है, स्टार्टिंग 2 मुकाबला नहीं खेला था, 1 में 9 और 1 में 8 करा है, उतना खास प्लेयर है नहीं। मैं बोलूँगा कि आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो इन दोनों में से किसी एक को ले लो, फिर दोनों को छोड़ दो, ठीक है, बट ग्रैंड लीग की टीम है ना किसी को एक को कैप्टन करिएगा और दोनों को रखना है। बट नाम आएंगे सावन डेनियल, जो पहले वाला मुकाबला में 12 रन 2 विकेट 6 ओवर, यहाँ पे देखो 34 रन 0 विकेट 8 ओवर 85 रन और लास्ट मुकाबला में 32 रन 0 विकेट 2 ओवर, मतलब बॉलिंग भी कर रहा है प्लस बैटिंग तो अच्छा खासा करवा ही रहा है। आप इस मौली खेल रहे हो वहाँ पर CNBC, इनको बिल्कुल भी देख चलिएगा। उनके साथ आएंगे उनके बाद आएंगे पवन पथिराजा, ओपनिंग भी करवा सकता है दोस्तों, 67 51 31 26 बहुत अच्छा खासा फॉर्म में है, कितना भी नीचे खेलेगा अपने कोटे का रन करके जाता है, अच्छा खासा बैट्समैन आप कह सकते हो। इनको भी लेफ्ट एंड बैटिंग करवाता है, स्मॉल लीग की टीम में जब प्लेयर रखो थोड़ा सा रिस्क लेकर वीसी करिएगा। देखो लाहिरू देवताजे जो स्टार्टिंग में 3 मुकाबले नहीं खेला था, लास्ट मुकाबला खेला 0 पे आउट हुआ था। मैं आपको एक चीज़ बोलना जरूर चाहूँगा, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो फिर विकेट की पर्सन से आप इनको भी पिक कर सकते हो। रविंद दे सिल्वा राइट बैटिंग लेग ब्रेक बॉलिंग, पहले वाले मुकाबले 29 रन, यहाँ पे 25 रन 0 विकेट 8 ओवर, 2 रन 3 विकेट 10 ओवर और लास्ट मुकाबले में 88 रन भी करा था दोस्तों और 1 विकेट भी निकाला था जहाँ पे 6 ओवर की बॉलिंग भी करवाई थी। तो रविंद्र सिल्वा का आप इस मौली की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन इनको दे सकते हो, मतलब इनको कैप्टन कर रहे हो तो फिर इनको वीसी आप कर सकते हो बिल्कुल भी इस मौली की टीम में। उनके बाद आएंगे धोनी तवेलाज, जो टीम की दोस्तों कैप्टनशिप करवा लेता है, लेफ्ट एम बैटिंग करवाता है, स्लो लेफ्ट एम और बॉलिंग करवाता है, लास्ट मुकाबला खेला था जहाँ पे 16 रन करता बैटिंग से प्लस 4 विकेट निकाला था, 10 ओवर की बॉलिंग करवा के, यहाँ पे देखोगे 1 विकेट 9.3 ओवर की बॉलिंग करा के, 15 रन 3 विकेट 3 ओवर और यहाँ पे पहले वाला मुकाबला 15 रन 1 विकेट 10 ओवर। गाइस प्लेयर बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि कोटे का करवा भी रहे प्लस आके लास्ट में हिटिंग करवा कर रन भी करवा रहे। इस मौली की टीम में रख लो, कैप्टन वाइस कैप्टनशिप मत दो। उनके बाद आएंगे विनुजा रामपो, जो पहले वक्त 2 मुकाबला नहीं खेला था, यहाँ पे 10 रन 3 विकेट 7 ओवर और लास्ट मुकाबले में 16 रन बैटिंग से भी करा था कंप्लीट, अपने कोटे का 2 ओवर 8 से 9 ओवर बॉलिंग करनी चाहिए प्लस रन भी करवा सकते हैं, प्लस विकेट तो निकाल ही रहे क्योंकि सामने की टीम भी वीक है। उनके बाद आएंगे वनुजा सहन, लोग इनको इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि लास्ट मुकाबले से बैटिंग करवाई थी जहाँ पर इन्होंने 9 ओवर के बॉलिंग में करवाई थी बट विकेट नहीं मिला था, हमने रखा था सिलेक्शन लास्ट ओवर मुकाबले में भी कम था लेकिन विकेट नहीं लेकर गया, यहाँ पर 29 रन 2 विकेट 10 ओवर का बॉलिंग करा के कम्प्लीट 10 ओवर डालेंगे प्लस बैटिंग करवा रहे दोस्तों, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट एंड बैटिंग लेग स्पिन बॉलिंग करवा के देगा आपको। शशांका निर्मल जो स्टार्टिंग के 3 नहीं खेला था, लास्ट के 1 मुकाबला खेला जहाँ पर 6 ओवर को बॉलिंग करवाई थी 1 विकेट निकाला था, आप भी कर सकते हो, बॉलिंग करवा रहे दानन हेमांडा, इन दोनों में से किसी को पी किसी कटेगा, 8 ओवर डालता और 1 विकेट निकालता था दोनों में से किसी को। गाइस अगर पहले इंग्लैंड आउट नहीं हुआ ना तो फिर बहुत ज़्यादा मैच रिस्की रहेगा, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। हरिंदु यहाँ से दोनों को छोड़ेंगे, सावन डनियो को लगे पे करेंगे, पवन पथिराजा लहिरू को पिक कर सकते हो विकेट के पसंद चाहो तो, रविंद्र सिल्वा धोनी को पिक करेंगे दोस्तों,
मनुजा रामपो, मनुजा सहन और इन दोनों में से किसी एक को, ठीक है? आप फिर दोनों को पिक कर सकते हो और दोनों को छोड़ भी सकते हो। स्टार्टिंग के विनुजा रामपो और डैनियल हेमंडा दो दो बड़ा डालते डेथ में आओगे, वनुजा सहन दूनी से डालता हूँ। बाकी जो भी बेंस बैठा प्लेयर हमने रेस्टर्स निकाला लिखा है दोस्तों, ठीक है, तरवीन मैथ्वेज है। तो गाइस प्लेयर तो बहुत शानदार शानदार है जो इनकी टीम के बेंस बैठे हैं दोस्तों, कोई खेलेगा आपको बताऊँगा ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे तो विकेट के पसंद से जय श्रीवर्धना को आप पिक कर सकते हो, देवतागे को पिक करते हो तो यहाँ से इनके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। मैं बोलूँगा आप स्मॉल की टीम में इनके साथ ही जाओ, बट आप इनको भी पिक कर सकते हो स्मॉल की टीम में। आएंगे बैटिंग सेक्शन में पथिराजा, एच मुल्ला, रोबिन भी बढ़िया रहेगा दोस्तों, एम हसन बॉलिंग बड़ी दोनों करवा रहे हैं, मैथ्यूज नहीं खेल रहा है, वनिंजा सहन बढ़िया प्लेयर है, रियान फर्नांडो ओपनिंग करता है, नॉर्वेस भी ओपनिंग कर रहा था दोस्तों, बट खेलेगा तो ग्रैंड लीग का ही पिक रहेगा। इस्लाम डेनियल, रविंद्र सिल्वा को पिक कर सकते हो स्मॉल लीग की टीम में, ठीक है। अब एक चीज़ करना है, यहाँ से इनको छोड़ के ना रविंद्र सिल्वा को पिक करेंगे, और एम हसन भी बॉलिंग करवा रहे थे, ठीक है, वनुजा सहन भी बढ़िया रहेगा, एम हसन बढ़िया रहेगा दोस्तों, बट मैं इसको साथ जाऊंगा नहीं। पहले आप बॉलिंग सेक्शन में इनको पिक करो, रामपो बढ़िया रहेगा, नेमू रहमान विकेट निकाले दोस्तों, ठीक है, मोहिद्दीन तारिक अच्छा खासा बॉलिंग करवा रहे थे और विकेट भी निकाले थे, तो नेमू रहमान भी बढ़िया रहेगा। और यहाँ से ना मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि इनको श्रीलंका नाइटेड टीम को, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा प्लेयर को रखा है। कैप्टन रहेगा डेनियल विशि रहेगा, रविंद्र सिल्वा, डेमो टीम है, आप रिवर्स भी कर सकते हो, डेमो टीम है, फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लास्ट टाइम बताऊंगा टेलीग्राम पे, तो भाइयों टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक मैं जरूर कर देना, बेस्ट ऑफ लक।